बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। एज यू नो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस केमिकल इक्विलिब्रियम एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। आई होप आपने इसे अच्छे से याद किया होगा, और अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप इसे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। I will discuss third lecture with you. It consists of two topics. Topic one is macroscopic characteristics of forward and reverse reactions. और ये आपके बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर है, और ये आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरह से आता है, what is difference between forward and reverse reactions? And the topic two is macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. Let's start our topic one. फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास जो है, इसका फर्स्ट वाला पॉइंट है यहाँ पर, वो वाला रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे, उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये रिवर्स रिएक्शन है हमारे पास, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करेंगे और रिएक्टेंट बनाएंगे, उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहें। याद रहे कि यहाँ पर जो हमने डिस्कस करना है फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन। जो यहाँ पर करैक्टर हम पढ़ेंगे वो इसके रिवर्स होंगे, जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल वही होंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको रिवर्स कर लेंगे, ऑपोजिट होंगे बिल्कुल इसके। तो इसको जो पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है, इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल देखी थी, उसी को हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है, ये एज अ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रही है और यहाँ पर प्रोडक्ट बना रही है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और इसी के एग्जांपल अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर देखते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है। और यहाँ पर अगर ये हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट बना दें, तो ये एक रिवर्स रिएक्शन होगा। और सेकंड पॉइंट की हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है ये लेफ़्ट टू राइट होता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है ये राइट टू लेफ़्ट होता है। इसी के एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये हमारे पास जो है लेफ़्ट टू राइट हुआ है, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, और ये राइट टू लेफ़्ट हुआ है, और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। लेट्स सी आवर थर्ड पॉइंट। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, इसमें इनिशियल स्टेज के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट होता है, और अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो जो रेट है रिवर्स रिएक्शन का, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो बिल्कुल कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। और इसी को हम ग्राफिकली देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ग्राफ ड्रा किया था, ये जिसमें हमने रिएक्शन का रेट लिया था और टाइम लिया था। यहाँ पर देखें कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। स्टार्ट के ऊपर अगर हम इसको देखें तो स्टार्ट में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और रिवर्स रिएक्शन का जो है वो बहुत कम है। और जैसे ही रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होना शुरू होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और एक स्टेट हमारे पास इस तरह से आती है कि जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं, और इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, इसमें ये बात की गई है कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है ये स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। इसको भी ग्राफिकली हमने अभी देखा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्पीड अप होता है। ये था हमारा टॉपिक वन, और लेट्स सी आवर टॉपिक टू, मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें पहले पॉइंट में बात की गई है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अचीवेबल तभी होगी जब हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी एग्जांपल देखी थी कि अगर हम ओपन फ्लास्क लेते हैं तो इसमें जो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट हमारे पास बने हैं उस वो रिएक्शन जो है उसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास आए हैं प्रोडक्ट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो यहाँ से बाहर आ गई थी, और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बचे थे, इसमें रिएक्शन जो है वो
कंप्लीट हो गया। और अगर हम चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की स्टेट आए, यहाँ पर तो कोई इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं है ना, और अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम की स्टेट आए, तो हम क्या करते हैं कि एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर ये रिएक्शन करवाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखी कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन के ज़रिए, ये चेंज हो जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो है यहाँ से बाहर नहीं आते, क्योंकि ये हमारे पास क्लोज्ड फ्लास्क है। और फिर क्या होता है कि दोबारा से ये कम्बाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, मतलब कि ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो होते हैं। और यहाँ पर देखें कि जितने रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे, उतने ही प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम की स्टेट हमारे पास आ गई है। और यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट को तभी अचीवेबल होगी जब हम क्लोज्ड सिस्टम की बात करेंगे और जो सब्सटेंसेस है इसके अंदर कोई भी एंटर ना हो या लीव ना हो। यानी कि अगर हम ओपन फ्लास्क की बात करें तो यहाँ पर लीव कर रहे थे कुछ सब्सटेंसेस, लेकिन यहाँ पर अगर क्लोज्ड फ्लास्क की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एंटर नहीं हुआ सब्सटेंस, या ना ही इसने ये फ्लास्क को छोड़ा है। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होता, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो सेम रेट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यानी कि अगर हम इसको क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर देखें तो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे वो इक्वल रेट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। और अगर इसी को हम ओपन फ्लास्क के अंदर लेते तो क्या हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आती? नहीं, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये ओपन फ्लास्क है, इसके अंदर जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पे यही तभी आएगा जब हमारे पास क्लोज्ड फ्लास्क होगी। तो थर्ड पॉइंट की हम यहाँ पर बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है उसमें अमाउंट जो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की है वो चेंज नहीं होती। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है तो जो रिएक्टेंट की अमाउंट थी वही हमारे पास प्रोडक्ट की है, इसी तरह जो प्रोडक्ट की थी वही रिएक्टेंट की आई है, इसमें जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होएगी। यानी कि हमारे पास अगर इसका कलर है, डेंसिटी है, इसकी भी बात अगर हम करेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात करेंगे तो ये भी चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हम बात करते हैं, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल, यानी कि हम इक्विलिब्रियम स्टेट तभी हमारे पास अटेनेबल होगा जब हम इसको स्टार्ट करते हैं रिएक्टेंट्स से। यानी ऐसे नहीं है कि हम रिएक्टेंट्स से स्टार्ट करें तो तभी हमारे पास आएगा, नहीं, हम दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट से तो तब भी हम इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर सकते हैं, और अगर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट से तो तब भी हम इसको अटेन कर सकते हैं। यानी कि दोनों तरह से हम इक्विलिब्रियम स्टेट को जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है और इसको अगेन जो है वो अचीव किया जा सकता है। लेकिन किस तरह से इसको किया जा सकता है? अंडर दी गिवन कंडीशंस, यानी कि हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो कंसंट्रेशन इसकी होती है या प्रेशर है या टेम्परेचर है, इस तरह से। तो अगर हमारे पास ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है, इसको हमने डिस्टर्ब करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन जो है यानी कि जो अमाउंट हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की है उसमें चेंज आ जाए, या हमारे पास जो टेम्परेचर है जो हम इसको हीट दे रहे हैं उसमें चेंज आए, तो तभी ये डिस्टर्ब होगी। और अगर हम इसको अगेन जो है वो अचीव करना चाहें तो तब हम क्या करेंगे कि इसकी जो गिवन कंडीशन थी, टेम्परेचर था या प्रेशर था, उसको उसी कंडीशन में लेके आएंगे और फिर दोबारा से हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये आपका था लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें आपको होम असाइनमेंट में दे रही हूँ, टेस्ट योर सेल्फ आपने करनी है 9.1, इसमें वही क्वेश्चंस होंगे जो आपको मैंने करवाए हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। और स्टूडेंट्स, जो आपको काम दिया जाता है इसे अच्छे से याद करें, वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम सो डोंट वेस्ट योर टाइम। जैसे कि मैं आपको एक एडवाइस करती हूँ कि अपने लेसन को इस तरह से प्रिपेयर करें जैसा कि आपका सुबह एनुअल एग्ज़ाम है, तो आपने अभी भी इसको इसी तरह से करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।